अरे जा, आप हिंदुस्तान के बादशाह बनकर नहीं, शेखू अपने बेटे का बाप बनकर सोचिए। क्या ये जरूरी है कि दिल मेरा हो और उस पर सांसें मेरी हो लेकिन हुकूमत आपकी हो? शेखू लाशारी, तुमने कदना सी खनीज की पायल को पिघला कर मुगलिया सल्तनत का ताज बनाना चाहते हो। हम उस खनीज को जिंदा नहीं रहने देंगे। माखुला, तुम मनार कली को मरने नहीं दोगे और हम उसको जीने नहीं देंगे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे। अनारकली हमारी तकदीर है और हमारा जीना और मरना उसी के साथ है। इजबाल बना ए आंटी नु पता है। वाह जी वाह, शाहिद साहब क्या बात है। आप इसको काफी जगह परफॉर्म भी कर चुके हैं, तो ये आपके अंदर का जो अदाकार है कब से छुपा हुआ है? मैं तो जी बचपन से ही एक ही काम करता रहा हूँ, डायलॉग्स याद करने। अब मेरे ऑडियंस मुझे मिलता नहीं था, फिर अपने घर के मुलाजमों के सामने मैं आज आपने बुला लिया, बड़ी मेहरबानी है। आज पहली तो ये जो हमारे बादशाह सलामत है, इनकी टोन आपको कैसी लगती है? मैं ज़बरदस्त जी, मैं समझता था मैं थोड़ी सी ये कर सकता हूँ, लेकिन आज आपको सुनने और देखने के बाद अब मैंने जाके इसको इम्प्रूव करना है। अरे वो मेरे आता था इसी तरह के, शेहू मेरे बच्चे तुम जानते हो कि हम हिंदुस्तान। देखिए आप बहुत अच्छा करते हैं, आप कमाल का करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा रिटायर हो जाऊं फिर आपके साथ ही कहीं। फिर ये जो तख्त नशीनी आप कर रहे हैं, ये इसकी जगह कोई और बैठा होगा।